सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे सभी लोगों को। अभी 12 बज रहे हैं, 12 अभी बजे नहीं, 10 मिनट है, तो गुड मॉर्निंग है अभी इसकी वजह से। और वीडियो की शुरुआत हो रही है आज, थोड़ा सा मैं बैठ के इंट्रो, जब भी वीडियो शुरू करती हूँ सब घुस जाते हैं, बोलने लगते हैं सब लोग। तो अभी वीडियो की शुरुआत हो रही गाइज, अभी शुरू हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ, आज मुझे कहीं पे थोड़ा सा पार्सल, मेरी फ्रेंड के यहाँ मुझे कुछ भेजना है, तो मैं अभी जा रही हूँ कुछ अच्छी सी सब्जी बनाने। सब्जी में बताऊंगी क्या, रोज वही बनता रहता है, तो वही जा रही बनाने। ये दोनों आज स्कूल नहीं गए हैं, बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों स्कूल नहीं गए हैं। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं आप लोगों से। मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने, जिसमें से कि टमाटर को मैं मिक्सर में पीसूंगी, इसका पेस्ट बनाऊंगी, और प्याज को चॉपर में चॉप करूंगी, और ये अदरक और लहसुन है तो इसको मैं इसमें नहीं ऐड करती हूँ, इसको मैं खलबट्टे में कूट के दरदरा इसका पेस्ट बना के तब मैं ऐड करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, जो कि कोई नया तरीका नहीं है ना कोई न्यू रेसिपी है, बस शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। कुछ है ऐसे ही, याद ही नहीं है। हाँ तेरा सूट तेरी काठी, अभी तो नहीं पता रानी। परेशान भी नहीं करूंगी, समझे? मसाला डन हो चुका है, तो अभी मैं इसमें मटर ऐड करूंगी। मटर फ्रेश नहीं है, फ्रोजन है, तो यही मैं डालती हूँ हमेशा। नाम है तेरा, प्यार रहरा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी महिमा। ये एक शिमला मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही बस ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी मैं आज नहीं बना रही हूँ। करिए, थैंक यू। अभी कपड़े भी डाल रही हूँ, 2:30 बज रहा होगा। अभी खाना पीना हुआ है, बज रहा है 5:15 हो रहा है। मैं सो गई थी आज लेटी देर से, मतलब थोड़ा देर हो गई थी,
सो गई थी, अभी चार पाँच बजे पौने पाँच मतलब 3:30-4 बजे लेटी, मेरी आँख लग गई सो गई, कभी उठी तो चाय बनी, अभी आप लोग भी पी लीजिए, नैन्सी दे गई हैं गिलास में, अभी अभी बस बनाई है। आज सवेरे से यहाँ बादल हो रखे हैं, तो बारिश तो नहीं हो रही बट बादल हैं, उसकी वजह से कपड़े तो रोज ही नहीं सूखते हैं, शाम तक में कपड़े नहीं सूखते हैं, तो उनको मैं फिर बाद में पंखे में, रात में जब सोने लगती हूँ तो पंखे में दोनों कुर्सी रख के फिर पंखे में नीचे, क्योंकि कहीं और डालने की जगह नहीं है तो पंखे में डाल देती हूँ। तो चाय पी लेती हूँ, पीने तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और मैं चली अभी चाय बनाऊंगी थोड़ी सी अपने लिए, 8:30 बज ही जाएगा चाय बनाते बनाते, और मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रहा है, तो खाना जा रही हूँ बनाऊंगी, दाल चावल, इस टाइम दाल चावल बनाऊंगी, आटा पिसाया नहीं, यहाँ थर्सडे यहाँ बंद रहता है सब, जैसे यहाँ पे बृहस्पति को सब मतलब पूरा शॉप वगैरह जो होती है मेन वो बंद रहती हैं, चक्की हो गई जैसे और भी चीज़ें हो गई सब बंद रहता है, कल खुलेगा तो कल दूंगी पिसने के लिए आटा, या तो फिर बाजार से मंगाओ, बाजार का आटा बिल्कुल बेकार होता है, बिल्कुल रबड़ जैसी रोटी बनती है, तो अभी मैं अपने लिए फाइनली जा रही हूँ अभी फ़िलहाल चाय बनाने, उसके बाद दाल चावल बनाऊँगी, उसके बाद और भी वीडियो आगे नहीं जाएगा, अभी थोड़ा खाना वाना बना लूँ फिर थोड़ी सी बात करूँगी आप लोग से, उसके बाद वीडियो कायम करूँगी। सो चाय मेरी इधर बन रही है और इधर दूध मैंने बॉयल के लिए रखा है, आज दूध आधा ही लीटर था, कल 1 लीटर था, और ये पार्ले जी बिस्किट है, ये बहुत दिन बाद मेरा खाने का मन हो रहा था पार्ले जी, पहले हम लोग इतना खाते थे पार्ले जी चाय में डाल डाल के पीते थे, और आज काफ़ी दिन बाद मेरा मन हुआ पार्ले जी बिस्किट खाने का, क्योंकि बीच में बहुत ख़राब आने लगा था, कच्चा कच्चा जैसा आने लगा था, तो बंद कर दिया था, नहीं पूरा पूरा बंडल ला के रख लेती थी और चाय से खाती थी, अच्छा लगता था, तो चाय बन। इधर सबकी पढ़ाई लिखाई चालू है, कोई पढ़ रहा है, कोई बैठा है, कोई टीवी देख रहा है, सीरियल आ रहा है, जमाई इधर लेटे हैं, जमाई लेटे ही रहते हैं, ड्यूटी मतलब बस ये इनको किसी तरीके से हैडरा बुलाना पड़ता है एक तरीके से, और उसी से इनको खींच के ड्यूटी ले जाया जाता है, फिर वहाँ से यहाँ लाया जाता है, और उसके बाद फिर ये आने के बाद से बस ये ड्यूटी समझ लीजिए, ड्यूटी बस जाते हैं बस, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है, बस सवेरे गए शाम को आए बस कोना पकड़ लिए फिर सवेरे गए, बस जमाई का इतना ही काम है, पेट दबाते रहते हैं, अब ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ से हट जाएं, वीडियो बना रहे हैं, चाय भी मेरी गिर जाएगी लग रहा, ओ वीडियो के चक्कर में चाय भी गिर गई, चाय इधर चाय भी वीडियो बनाने लगी, तो एक और काम बढ़ गया, क्या ही बोलूं, बहुत क्या बताऊं। दो नंबर बेचारा गाड़ी लेके आया था, इतनी देर तक कपड़ा रखा ही था, इतने बड़े हैं कि अपना कपड़ा ही प्रेस कर सकते हैं, स्कूल जाते हैं तो इतना इनको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए कि अपना कपड़ा एक खुद ब खुद प्रेस करे स्कूल पहन के जाए, बस लेटे लेटे खाने के लिए बोल दो, बस यही एक काम बचा है, हैंकी गीली है तो इसको यहाँ पे कर दे रही हूँ, सब गीले ही है, और कल स्कूल जाना है सब कपड़े गीले हैं, सारा दिन लेटा गेम खेला करता है, कपड़े प्रेस नहीं कर सकता आपने, तो ही नहीं है तुमको कुछ एगो करता है, तुम्हारा भी इनको उधर देखो पूरा चार्जर ये वो सब लेके बैठे हैं, कागज जितना भी सामान है सब वही बजा, तो अभी कितना बज रहा है, 10:30 10:30 वाला है, घड़ी नहीं देखा उसने, इसे पता नहीं चला, तो अभी अब हो गई मैं हताश सुबह से, इस टाइम से मैं टूट फूट जाती हूँ बिल्कुल से, मेरे अंदर शक्ति नहीं बचती है, अभी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, सुबह 6 बजे से लगी पड़ी रहती हूँ, सारा A to Z घर का जितना काम है सारा काम A to Z मैं ही करती हूँ,
एक चाय सिर्फ नैन्सी बनाती है शाम वाली। और अभी खाना बना है, सब 7-8 बजे थोड़ा थोड़ा खाए थे। दोपहर में जो पनीर बनाया था रखा हुआ था, दाल चावल अभी बनाया, अभी किसी ने खाया नहीं। अभी मुझे वीडियो एडिट करना, कम से कम 1.5 घंटा मुझे वीडियो एडिट करने में लगेगा। और इन लोग का अभी खाना नहीं हुआ, खाना खाएंगे, जितना बर्तन होगा बर्तन मांजना पड़ेगा, तो बहुत काम रहता है। क्या बोलूँ, बहुत सारा काम रहता है, मतलब थक जाती हूँ तब भी मुँह से क्या करूँ क्या बोलूँ। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। और मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, नमस्ते।